मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में संविदा पर पदस्थ उपयंत्री हेमा मीणा करोड़ों रुपए की आसामी निकली हैं। 13 साल पहले पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन पे उसे संविदा पर उपयंत्री के पद पर रखा गया था। वर्तमान में उसे सहायक यंत्री का प्रभार भी दिया गया है। पद स्थापना के जल्द बाद ही वरिष्ठ इंजीनियरों के संपर्क में आने के बाद आला अधिकारियों से भी संपर्क हुआ और इसके बाद शुरू हो गई काली कमाई। हेमा मीणा पति को तलाक दे चुकी हैं और पिता के नाम विदिशा स्थित पैतृक गांव से लेकर भोपाल और रायसेन में करोड़ों की जमीनें खरीदी हैं। हेमा मीणा ने पिता के नाम 20,000 वर्ग फीट के प्लॉट पर बिलखीरिया थाना क्षेत्र में 1 करोड़ का आलिशान फार्म हाउस बनाया है। यहाँ देसी विदेशी नस्ल के 100 कुत्ते भी हैं, जिन्हें नस्ल के आधार पर अलग अलग कमरों में रखा जाता है। इन्हें देखभाल करने के लिए भी अलग से लोग रखे गए हैं। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की उपयंत्री हेमा मीणा के बिलखीरिया क्षेत्र में स्थित आवास में पुलिस को 1.5 दर्जन से अधिक लग्जरी कारें मिली हैं। LG कंपनी का एक विदेशी टीवी भी बरामद हुआ है, जिसके कवर पर 30 लाख रुपए का उसका मूल्य लिखा है। विलासितापूर्ण जिंदगी की शौकीन हेमा मीणा खुद को IPS अधिकारी की तरह दिखाती हैं। पति को तलाक देने के बाद वह अपने पिता और अन्य परिजनों के साथ ही रहती हैं। उसका मायका रायसेन के चपना गांव में है, परिजन वहीं रहते हैं। हेमा मीणा के निवास से 100 कुत्तों के लिए रोटी बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की मशीन भी लगाई गई है। वहीं 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को अपने आलिशान मकान में काम पर लगा रखा है। कर्मचारियों से वॉकी टॉकी पर ही बात करती है। छापेमारी में लोकायुक्त पुलिस को 30 से भी अधिक सीमेंट की भरी बोरियां मिली, जिन पर नॉट फॉर रीसेल लिखा हुआ था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा बनाए जाने वाले मकानों के लिए मंगवाई गई सीमेंट का बड़ी मात्रा में उपयोग हेमा मीणा के मकान बनाने में हुआ है। हेमा मीणा के पिता सामान्य किसान है। उनका नाम बेटी की नौकरी से पहले कुछ एकड़ ही जमीन थी। बेटी के नौकरी में आने के बाद उनके नाम से भोपाल, विदिशा और रायसेन में करोड़ों की जमीनें खरीदी गई हैं। ये पूरा पैसा हेमा मीणा का ही है। हेमा ने अपने पिता के नाम से हार्वेस्टर, धान बुआई मशीन, ट्रैक्टर और खेती में काम करने वाले अन्य यंत्र भी खरीदे, जिनके दस्तावेज छापे के दौरान बरामद हुए हैं। लोकायुक्त पुलिस ने साल 2020 में हेमा मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी शिकायत मिली थी। करीब 2.5 साल जांच के बाद आय से अधिक संपत्ति होने के पुख्ता सबूत जब लोकायुक्त पुलिस को मिले, इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भोपाल से सर्च वारंट लेकर छापे की कार्रवाई की गई। हेमा मीणा साल 2016 में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में बतौर उपयंत्री पदस्थ हुई थी। वो अब तक करीब 13 साल नौकरी कर चुकी हैं। इस हिसाब से उनकी संपत्ति करीब 18 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन अब तक की जांच में 7 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल चुकी है। आय से तकरीबन 38 गुने से भी ज्यादा की संपत्ति प्राप्त हुई है। जमीनों के दस्तावेज, बैंक लॉकर और जेवर के साथ अन्य वस्तुओं उपकरणों का मूल्यांकन होना भी बाकी है। ऐसे में संपत्ति का आंकड़ा 1 करोड़ तक और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से।